Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मेरी शादी तो तुम्हारे पापा से होकर ही रहेगी और वो भी शुभ मुहूर्त में। आधे घंटे में शादी हो जाएगी, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। अरे कैसे रेडी हो जाओ बिटिया, ये इसकी वजह से 4 घंटा शादी पीछे चली गई। हमने जो सुबह से श्रृंगार किया था वो सब तो उतर गया ना। अब वापस वो ब्यूटी पार्लर वाली को बुलाना पड़ेगा, लाली लिपस्टिक लगाएंगे तब जाके हम तैयार होंगे ना। अब मैं तो सालों से तैयार बैठी हूँ कि कब मैं मोहन की दुल्हन बनूंगी। आज फाइनली वो दिन आ ही गया। चले मम्मा। चलो। दादी ने नहीं सुना ना, मुझे पता था। अब कोई ऑप्शन नहीं है, हमें डायरेक्ट पापा से बात करनी चाहिए। बेस्ट चांस है कोई भी नहीं, सब अपने रूम में। चलो ना राधा, प्लीज चलो चलो। ठीक है राधा, चलो। तुम्हारे हाथ जोड़ते राधा, ये शादी हो जाने दो। अगर तुमने शादी को रोकने की कोशिश की ना, तो कहीं तुम्हारी इज्जत में हम अपना बेटा ना खो दे। पापा के रूम में क्यों नहीं जा रहे? अरे बताओ ना राधा, चलो। हम नहीं जा सकते गुनगुन। क्यों? क्या हुआ? अरे ना दे। क्या हुआ राधा, तुम रो क्यों रही हो? राधा तुम क्यों रो रही हो बताओ ना। हम कुछ नहीं कर सकते, हम ये शादी नहीं रोक सकते। काकी ने मना किया। क्यों? गुनगुन जिद छोड़िए ना, मोहन जी के लिए बस ये शादी हो जाने दीजिए, बस अब चुप रहिए। अरे राधा तुम रो क्यों रही हो, हम पापा के लिए तो शादी रोक रहे हैं। क्या करें गुनगुन, हम बड़ों के खिलाफ नहीं जा सकते ना। पर कभी कभी जाना पड़ता है, याद है तुमने सिखाया था? हमने? हाँ तुम्ही ने। एक बार यशोदा माँ ने बाकी बहन जी को यमुना जाने से मना किया था, पर वो फिर भी गए। पर तभी इतने सारे लोगों को कालिया स्नेक से बाकी बहन जी ने बचा लिया। और हाँ, ये दौनी भी ना कॉलिया स्नेक से कम नहीं है। हमें अगर पापा को बचाना है तो दादी के खिलाफ जाना ही होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।